तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। मैं आपके साथ हूँ अभिषेक त्यागी। देखिए, 58वां मुकाबला आईपीएल लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, शानदार तरीके से मैचेस होते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिलचस्पी ये हो गई है कि आईपीएल में टॉप टू टीम कौन सी फिनिश करेंगी और नंबर चार पर कौन सी टीम रहेगी। ये दोनों दिलचस्पी बहुत हो गई है। लेकिन ये मुकाबला जो होगा 58वां, वो दिल्ली और आरआर के बीच होगा। आरआर तो लगभग पहुंच चुकी है, लेकिन दिल्ली का भाग्य निर्धारित होगा इस मैच से। अगर दिल्ली इस मैच में जीतती है तो बेहतर है, वरना आरआर तो देखिए पहुंच ही चुकी है। दिल्ली का ये मैच जीतना बेहद ज़रूरी है, लेकिन आरआर अगर इस मैच को जीत जाती है तो वो हो सकता है कि नंबर दो पर फिनिश करे, क्योंकि आरआर का जो रन रेट है वो गुजरात से भी बेहतर है। अगर आरआर इस मुकाबले को जीत गई तो नंबर दो पर फिनिश कर सकती है, इसलिए राजस्थान भी चाहेगी कि वो इस मुकाबले को जीतकर बेहतर तरीके से फिनिश करे। सबसे पहले पॉइंट टेबल बताऊंगा, उसके बाद में टीम बताऊंगा फटाफट। राजस्थान में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान में होने वाला है, उसके लेकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पॉइंट टेबल, 11 मैच खेली है, 7 जीती है, 4 हारी है, 14 पॉइंट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्लस में रन रेट है 326। ये रन रेट जो है वो गुजरात से भी बेहतर है। तो अगर राजस्थान ने मुकाबला जीत लिया तो वो नंबर दो पर भी फिनिश कर सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी 3 मुकाबले राजस्थान को और खेलने हैं। लेकिन देखिए, पिछले मुकाबले की टीम में अगर बताऊं तो बटलर, जायसवाल, संजू पडिकल पिछले मुकाबले में बहुत बेहतर तरीके से, जायसवाल ने वापसी की, शानदार तरीके से वापसी की, एक बेहतर पारी जायसवाल ने खेली। उसके बाद में पडिकल, हेटमार, पराग, अश्विन, बोल्ट, कृष्णा, चहल, कुलदीप सेन, ये पिछले मुकाबले की टीम थी। अब मैं अगले मुकाबले की टीम बताऊंगा किस किस को मौका मिल सकता है, क्या एक प्लेइंग 11 हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान में 100% होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा 100%, उसको लेकर मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। सबसे पहले देखिए, मैं चाहता हूं कि जो पिछले मुकाबले की ओपनिंग थी वही ओपनिंग रही। मैं जायसवाल को लेकर लगातार बोल रहा था अपनी वीडियोज में कि जायसवाल को मौका दीजिए, ये खिलाड़ी बेंच पर बैठाने वाला नहीं है। मैं लगातार अपनी वीडियो में इस बात को बोलता था और आखिरकार राजस्थान रॉयल वालों ने मेरी बात सुन ली और जायसवाल को मौका दिया। और जायसवाल को जैसे ही मौका मिला, जायसवाल ने धमाका करके दिखा दिया। मुझे पता था यार, खिलाड़ी ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा मैच विनर प्लेयर है, तो इसीलिए मैं बटलर के साथ में जायसवाल को ही ओपन करवाऊंगा। बहुत शानदार तरीके से इन दोनों की पार्टनरशिप रहने वाली है, शानदार तरीके से आने वाले मुकाबलों में जायसवाल के ऊपर जिम्मेदारी रहने वाली है। बटलर तो बढ़िया कर रहे हैं, बटलर तो बटन लगा के मार रहे हैं बाकी गेंदबाजों को, लेकिन जायसवाल को भी ऐसा ही काम करना पड़ेगा, शानदार तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। संजू ने एक कप्तानी जिम्मेदारी निभाई है। मैं चाहता हूँ कि पडिकल को नंबर 3 पर रख दिया जाए, मैं चाहता हूँ कि पडिकल को नंबर 3 पर रख दिया जाए और संजू नंबर 4 पर आ जाए, क्योंकि पडिकल जो है ना वो ऊपर खेलने के आदी हो चुके हैं अब, क्योंकि बहुत सारे मैचों में पडिकल ने ओपनिंग कर ली है, तो पडिकल ऊपर खेलने के आदी हो चुके हैं। पडिकल को नंबर 3 पर रख दीजिएगा, संजू सैमसन नंबर 4 पर बढ़िया बल्लेबाजी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने नंबर 4 पर बल्लेबाजी की हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि संजू सैमसन नंबर 4 पर आ जाए और देवदत्त पडिकल को आप नंबर 3 पर खिलाइए। देवदत्त पडिकल को अगर आप नीचे ज़्यादा कर देंगे तो वो फेल हो जाएंगे, वो बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे, इसलिए राजस्थान के बेहतर के लिए, राजस्थान के हित के लिए मेरी सलाह है कि पडिकल को नंबर 3 पर ओपनिंग खिलाइए, बहुत बेहतर होगा। ओपनिंग जायसवाल के साथ करवाइए, ये एक बेहतर बैटिंग लाइनअप है। यहाँ पर देखिए एक बदलाव होगा, ये बदलाव क्या होगा, नंबर 5 का हेटमार नहीं है, हेटमार चले गए हैं अपने देश, अपने घर चले गए हैं, वो पिता बनने वाले हैं। ये राजस्थान रॉयल वालों के लिए खुशखबरी है कि भैया आपकी टीम का एक खिलाड़ी पिता बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हेटमार इस मैच में नहीं होंगे, 2-3 मैच हो सकता है कि एक दो मैच और मिस करें हेटमार, लेकिन हेटमार की जगह कौन आए ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। 2 खिलाड़ी हैं राजस्थान की बेंच स्ट्रेंथ पर, 2 खिलाड़ी हैं जो हेटमार की जगह ले सकते हैं, ठीक इसी तरीके के बल्लेबाज हैं। एक तो डुसेन बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, वो राशि वंडर डुसेन बहुत धमाकेदार खिलाड़ी है, हालांकि एक दो मैचेस में इनको मौका मिला जरूर था लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाई। अब हेटमायर की एब्सेंस में इनके पास बहुत बेहतर मौका है, अगर इनको मौका मिलता है कि इनको बल्लेबाजी में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ताकि ये प्लेइंग 11 में जगह बना सके, तो डुसेन के पास मौका। दूसरे खिलाड़ी इनके पास हो रहे हैं शुभम गढ़वाल,
बहुत बेहतर खिलाड़ी है, ये भी हेडमैन की तरह लंबे लंबे चौके छक्के लगाने के लिए जाना जाता है, बहुत सॉलिड खिलाड़ी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद दुसैन को मौका मिलेगा, क्योंकि दुसैन थोड़े से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, थोड़ा तजुर्बा ज़्यादा है, गेंदबाजों को खेलने की ज़्यादा प्रैक्टिस उनको है, तो मेरे हिसाब से दुसैन को मौका मिलेगा, क्योंकि राजस्थान कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगी, राजस्थान एक विदेशी के तौर पर एक विदेशी खिलाड़ी को शायद लेना चाहेगी, तो मेरे हिसाब से दुसैन उस मामले में बिल्कुल फिट बैठते हैं और दुसैन एक अच्छे बल्लेबाज भी है, मैच को फिनिश करना जानते हैं, उनके पास तेज गति से रन बनाने की ताकत है, लंबे लंबे शॉट इनके पास हैं, बहुत बेहतर एवरेज है, बहुत बेहतर खेल कर आए हैं, अच्छी फॉर्म के खिलाड़ी हैं, तो दुसैन एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं हेडमार का, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। उसके बाद में रियान पराग, देखिए मुझे अभी भी लगता है पता नहीं क्यों कि राजस्थान इस खिलाड़ी पर बहुत बैक कर रही है, मैं अभी भी मानता हूं कि पराग की जगह आप शुभम गढ़वाल को खिला लीजिए, बहुत बेहतर फिनिश कर सकता है, पराग की जगह शुभम गढ़वाल बहुत बेहतर तरीके से फिनिश कर सकता है मैच को। पराग ने ठीक है एक मैच खेला है, एक मैच में अच्छी पारी खेली है, लेकिन 11 मैचों में अगर आप एक मैच में बढ़िया पारी खेल लोगे तो क्या हो जाता है यार, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही है पराग की बल्लेबाजी में। मैं अभी भी बोलता हूं कि शुभम गढ़वाल को अगर मौका दे दे राजस्थान आने वाले मैचों में तो बहुत बढ़िया राजस्थान के लिए हो सकता है, मेरा अभी भी मानना है कि शुभम गढ़वाल को मौका दे दीजिए, पराग को बाहर कर दीजिए। देखिए पराग से गेंदबाजी भी नहीं करवाई जा रही है, बल्लेबाजी में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इससे तो बेहतर है कि आप शुभम गढ़वाल को मौका दे दीजिए यार, वो खिलाड़ी बेंच पर बैठा हुआ सूख गया यार, वो परेशान है खिलाड़ी बेंच पर बैठा हुआ, उसकी कुछ तो सुन लो यार, कुछ तो सुन लो उसकी, एक खिलाड़ी को आप इतना सिर पर बैठा कर रखे हुए हैं, दूसरे खिलाड़ी को आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत है। मेरे हिसाब से अभी पराग की जगह शुभम गढ़वाल को मौका मिलना चाहिए। गेंदबाजी में अब अश्विन आ जाते हैं, अश्विन बल्लेबाजी में भी बेहतर कर रहे हैं, कई मैचों में तो उनको ऊपर भी खिलाया गया, वहां भी उन्होंने रन बनाए, तो अश्विन एक बेहतर ऑलराउंडर का विकल्प है, गेंदबाजी मिलती है तो विकेट चटकाते हैं, बल्लेबाजी मिलती है तो रन बनाते हैं। अश्विन ने राजस्थान रॉयल के लिए बहुत बेहतर और शानदार प्रदर्शन किया है। उसके बाद में बोल्ट आएंगे, बोल्ट तो भाई साहब नट बोल्ट ढीले कर ही रहे हैं विपक्षी टीमों के, बहुत शानदार तरीके से गेंदबाजी बोल्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर राजस्थान को आगे जाना है, राजस्थान को फाइनल तक का सफ़र तय करना है, क्योंकि अभी तो पहले प्लेऑफ की जंग है, प्लेऑफ की जंग के बाद प्लेऑफ में जंग होगी, वहाँ पर एक लड़ाई होगी, वहाँ से फाइनल की जंग होगी, तो अगर राजस्थान को फाइनल तक पहुँचना है तो ट्रेंट बोल्ट का बेहतर गेंदबाजी करना बहुत ज़रूरी है राजस्थान के लिए, इस गेंदबाज के भरोसे और इस बल्लेबाज के भरोसे बटलर, इन दोनों विदेशियों के भरोसे राजस्थान की टीम फाइनल जीत पाएगी, अगर दोनों चल पाए तो राजस्थान की टीम फाइनल, क्योंकि ये दोनों बड़े मैच के प्लेयर हैं, बोल्ट भी और बटलर भी दोनों बड़े मैचों के प्लेयर हैं, बड़े मैचों में अगर ये प्लेयर चल गए तो राजस्थान की बल्ले बल्ले है, ये समझ लीजिए। उसके बाद में प्रसिद्ध कृष्णा, देखिए जिस तरीके की गेंदबाजी इस गेंदबाज ने की है, अभी तक अगर मैं दोनों को नंबर दूं, बोल्ट को और प्रसिद्ध कृष्णा को, तो तजुर्बे के हिसाब से मैं बोल्ट को से ज़्यादा नंबर प्रसिद्ध कृष्णा को दूंगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने देखिए ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, ज़्यादा इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रसिद्ध कृष्णा ने खुद को साबित किया है, बेहतर गेंदबाजी करके दिखाई है, एक बढ़िया लाइन लेंथ से गेंदबाजी की और विकेट चटकाए, विकेट भी चटकाए हैं, इसलिए प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और राजस्थान की जीत में एक अहम योगदान प्रसिद्ध कृष्णा का भी रहता है। चहल की तो भाई साहब क्या कहने, चहल तो एंटरटेनर है राजस्थान के, चहल तो राजस्थान के एंटरटेनर है, मैदान में जाते हैं तो एंटरटेन करते हैं विकेट चटकाकर, मैदान से बाहर रहते हैं तो एंटरटेन करते हैं, हंसी मजाक हमेशा करते रहते हैं, तो इसीलिए चहल तो राजस्थान के मेरे भाई एंटरटेनर हैं, इनको तो जितना इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है, शानदार गेंदबाज, बेहतर पर्सन और एक अच्छा खिलाड़ी, एक बहुत बेहतर खिलाड़ी जो अपनी टीम में हमेशा इन्वॉल्व रहता है, जीत में हमेशा योगदान देता है, तो मेरे हिसाब से चहल बहुत बढ़िया। कुलदीप सेन की तारीफ करनी पड़ेगी, देखिए इस गेंदबाज ने जिस तरीके से खुद को साबित किया है, इस गेंदबाज ने अपने टीम इंडिया के लिए भी दरवाजे खोले हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप सेन ने गेंदबाजी की, रफ्तार के साथ साथ मिश्रण और उसके बाद में विकेट चटकाना, ये तीनों ही चीज़ इस गेंदबाज ने दिखाई है राजस्थान के लिए, बहुत शानदार गेंदबाजी, इस गेंदबाज ने बहुत प्रभावित किया। और देखिए IPL 2022 पर नज़र है टीम इंडिया के सेलेक्टर्स की, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कुलदीप सेन जैसा गेंदबाज भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि इस गेंदबाज ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है, बटलर के साथ जायसवाल मैं पंडिकल को नंबर 3 पर रखना चाहूँगा, क्योंकि पंडिकल ऊपर खेलने के आदि अब हो चुके हैं, अब उनको आप नीचे मत खिलाइए, नीचे खिलाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे, तो अब जब इतने मैचेस में पंडिकल को आपने ऊपर खिला लिया तो उनको नंबर 3 पर रख दीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। संजू सैमसन नंबर 4 पर खेलेंगे, वो सेटलमेंट कर लेते हैं अपना। उसके बाद में दुसैन, क्योंकि हेटमार नहीं होंगे बहुत बड़ा बदलाव होगा, हेटमार की जगह दुसैन एक बहुत बेहतर उसी तरीके के खिलाड़ी हैं, चौके छक्के लगा सकते हैं, तेज गति से रन बना सकते हैं, बेहतर मैच को फिनिश कर सकते हैं।
सकते, तो यहाँ पर मैं हेटमायर की जगह दूसरे को रखूंगा। शुभम गढ़वाल एक इनकी बेंच पर बैठे हैं, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, इनको भी मौका दिया जा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पराग की जगह शुभम गढ़वाल को मौका दे दिया जाए अगर, तो बहुत बढ़िया होगा राजस्थान के लिए। आप लोगों का इस पर क्या मानना है, क्या पराग की जगह गढ़वाल को मौका मिले, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में अश्विन रहेंगे, बोल्ट रहेंगे प्रसिद्ध कृष्णा चहल और कुलदीप सेन। ये एक प्लेइंग 11 मैं चाहता हूँ कि दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैदान पर उतरे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल भी जीतना चाहेगी। दिल्ली कैपिटल की इस मैच से बहुत उम्मीदें होंगी, दिल्ली कैपिटल के 10 पॉइंट हैं, दिल्ली कैपिटल चाहेगी कि मैच को जीतकर पॉइंट टेबल में ऊपर बढ़े, लेकिन अगर राजस्थान भी चाहेगी, राजस्थान भी इस मैच को जीतकर टॉप 2 में फिनिश करना चाहेगी। बहुत बेहतर ये मुकाबला होने वाला है, शानदार मुकाबला होने वाला है, जानदार मुकाबला होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी राजस्थान को ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा। राजस्थान की टीम दिल्ली से थोड़ी ज़्यादा मजबूत मुझे नज़र आ रही है, बस थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है, अगर ये बदलाव हो गए तो राजस्थान की बल्ले बल्ले है। आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि हेडमायर की जगह डुसन एक बेहतर ऑप्शन होंगे, और रियान पराग को लेकर आप क्या मानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ आपको हमारी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।